Assalamualaikum students. Today we will study second chapter of our science book, that is plants and their systems. As you know, plants are living organisms. Plants हमारे पास living organisms होते हैं, लेकिन हमारे पास जितने भी plants हैं सब एक जैसे दिखने में नहीं होते. Like humans, we all share same basic structure. Like we have legs, we have arms, we have face and other organs and parts. Like that, plants के भी जो है वो different parts होते हैं, organs होते हैं, लेकिन appearance इनकी change होती है या change हो सकती है. Like we, as we compare primrose with pond bean, you can clearly see the difference between their structures. इनके leaves, roots और flowers में जो है वो difference होता है. फर्स्ट ऑर्गन जो हम स्टडी करेंगे हमारे पास रूट्स हैं. रूट्स जो मेन काम करती हैं ये सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं प्लांट को बिलो द ग्राउंड. एंड देन सेकेंड फंक्शन दे परफॉर्म इज ये पानी और मिनरल्स को ज़मीन से एब्जॉर्ब करती हैं एंड देन प्लांट के जो लीव्स हैं वहाँ तक पहुँचाने का काम करती है. रूट्स प्लांट्स की जो होती हैं वो ज़मीन से पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके लीव तक पहुंचाती है ताकि खाना बन सके. और सेकेंड हमने पढ़ा होल्ड करती है प्लांट को ज़मीन पे. सेकेंड हमारे पास ऑर्गन है स्टेम. स्टेम जो है हमारे पास जो अबव द ग्राउंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को पार्ट, वो स्टेम है. उसके अलावा ये लीव्स और फ्लावर्स को जो है सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है ताकि वो उससे अटैच हो सकें. अगर हमारे पास स्टेम नहीं होगी तो हमारे पास सरफेस एरिया नहीं होगा जहाँ पे लीव्स अटैच हो सके या फ्लावर्स अटैच हो सके. तो अगर लीव्स एंड फ्लावर्स नहीं होंगे तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म नहीं हो सकेगा, क्योंकि लीव्स हमारे पास फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करते हैं और फ्लावर्स जो है वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं जो हेल्प करते हैं पोलिनेशन में. थर्ड, लीव्स. लीव्स हमारे पास फूड फैक्ट्रीज कहलाती हैं. क्यों कहलाती हैं? क्योंकि ये खाना बनाने का प्रोसेस परफॉर्म करती हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लस मिनरल्स. लीव्स जो है वो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करते हैं एंड देन जो है पूरी प्लांट बॉडी में खाने को जो है वो ट्रांसपोर्ट करवाता है. उसके अलावा हमारे पास लीव्स जो है वो डिफरेंट शेप्स और साइज़ के होते हैं. अगर आप जैस्मिन या रोज़ हमारे पास प्लांट कंपेयर करते हैं तो आप देख सकते हैं उनके फ्लावर में, उनके लीव्स में कितना डिफरेंस होता है. देन फ्लावर. फ्लावर्स हमारे पास जो होते हैं ये मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं प्लांट के. हमारे पास फ्लावर्स हमारे पास जो है वो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मौजूद होते हैं. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारे पास जो है वो होता है स्टैमिन, जबकि हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो कार्पेल होता है. फ्लावर्स हमारे पास डिफरेंट कलर्स के होते हैं, इनका ब्राइटली कलर्ड होते हैं और इसके अलावा इनकी जो है वो सेंट होती है इनमें जो स्वीट होती है. लेकिन कुछ हमारे पास इस तरह के भी फ्लावर्स होते हैं जिनकी जो है जो सेंट होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, लाइक रोटिंग मीट. उसके अलावा डिफरेंट कलर्स ब्राइट कलर होने की वजह से इंसेक्ट जो है वो इनकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं. देन बर्ड्स. बर्ड्स हम उन पॉइंट को कहते हैं जहाँ से ग्रोथ स्टार्ट होती है. वो पॉइंट हमारे पास जहाँ से प्लांट की ग्रोथ स्टार्ट होती है, अब वो रूट्स भी हो सकती हैं और शूट्स भी. रूट टिप्स एंड शूट एपिक्स जो हमारे पास होते हैं वो बर्ड्स पॉइंट्स होते हैं, मीन्स वहाँ से जो है वो ग्रोथ होती है. रूट्स टुवर्ड्स द ग्रेविटी मूव करते हैं जबकि शूट जो है वो टुवर्ड द लाइट मूव करते हैं अबव द ग्राउंड. नेक्स्ट पेज हमारे पास है और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है वो है प्लांट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर, मीन्स प्लांट्स जो है वो एक से ज़्यादा सेल से मिलके बनते हैं.
और हमारे पास फिर सेल्स का एक जो है मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं। जब हमारे पास सेल्स जो है वो कंबाइन होकर एक ग्रुप बनाते हैं तो उस ग्रुप को हम कहते हैं टिश्यू। हमारे पास दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर जो सिंगल सेल से मिलके बनते हैं और मल्टीसेलुलर जो एक से ज़्यादा सेल से मिलके बनते हैं, जैसे प्लांट्स, जैसे हम। प्लांट्स में अब फोर टाइप्स के मेन टिश्यूज़ होते हैं, फोटोसिंथेटिक टिश्यू, प्रोटेक्टिव टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट फोटोसिंथेटिक टिश्यू। फोटोसिंथेटिक टिश्यू आर दोज विच परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो लीव्स, जो हमारे पास टिश्यूज फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो फोटोसिंथेसिस टिश्यूज कहलाते हैं। सेकेंड प्रोटेक्टिव टिश्यू, एज जो हमारे पास जो प्रोटेक्टिव टिश्यू का नाम है उससे जाहिर हो रहा है, प्रोटेक्टिव मतलब प्रोटेक्ट करने वाले टिश्यू। ये हमारे पास जो है वो रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स की जो है वो सरफेस पे होते हैं, जो उसकी सरफेस को कवर करते हैं और प्रोटेक्शन का काम करते हैं, प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम आउटसाइड। सेकेंड हमारे पास जो प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं इनकी वॉल्स थिन होती हैं और ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। क्यों? ताकि इजीली जो है वो इनसे लाइट जो है वो पास आउट होके लीव्स तक या स्टेम जहाँ पे पहुँचने का उसको जहाँ वो पहुँचना है हमारे पास मीन्स लाइक लीव्स में पहुँच जाए ताकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म हो सके। इसलिए ये ट्रांसपेरेंट होती है ताकि इजीली लाइट का जो है वो ट्रांसपोर्ट, लाइट की ट्रांसपोर्ट हो सके, उसके अलावा गैस एक्सचेंज का प्रोसेस इजीली हो सके, इसलिए ये थिन वॉल भी होती है और प्लांट को ये डैमेज और इन्फेक्शन से बचाती हैं ताकि कोई भी इंजरी ना हो सके। देन वी हैव जाइलम। जाइलम टिश्यूज जो है वो कैरी करते हैं मिनरल्स और वाटर के फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। लीव्स तक रूट्स से जो पानी और मिनरल्स पहुँचाने का काम है वो जाइलम करता है। सेकेंड हमारे पास है फोर्थ फ्लोएम। आप स्ट्रक्चर भी साथ में देख सकते हैं। फ्लोएम टिश्यू जो होता है वो फूड कैरी करने का प्रोसेस करता है और वो ट्रांसपोर्ट करता है हमारे पास लीव से लेकर टू ऑल प्लांट्स पार्ट्स ऑफ द प्लांट। लीव्स में जो खाना बनता है फ्लोएम वहाँ से खाने को लेकर पूरे प्लांट बॉडी में पहुँचाता है और एक वक्त में अप एंड डाउन दोनों जगह जो है वो खाने को लेकर पहुँचा सकता है। ठीक है, एक टाइम पे अप एंड डाउन दोनों जगह जो है वो खाना प्रोवाइड करता है फ्लोएम और ये हमारे पास शुगर सॉल्यूशन की फॉर्म में फ्लोएम खाने को ट्रांसपोर्ट करता है। ये हमारे पास टॉपिक नंबर टू था, प्लांट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। जी अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन। मींस ऑर्गेनाइजेशन मतलब कैसे ऑर्गेनिज्म बनता है। फर्स्ट हमारे पास सेल्स होते हैं, जब हमारे पास ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइन होते हैं तो बनाते हैं टिश्यू एंड देन टिश्यू कंबाइन होते हैं और बनाते हैं ऑर्गन। देन ऑर्गन, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गन सिस्टम कंबाइन एंड फॉर्म ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट सेल्स, देन टिश्यू, देन ऑर्गन सिस्टम एंड फाइनली ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म उसको कहते हैं विच कैन सर्वाइव ऑन इट्स ओन, जो अपने बलबूते पे जिंदा रह सकता है उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म। अब वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। और ट्रीज हमारे पास जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं अर्थ में, जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, अबव 100 ईयर्स जो है वो हो सकती है। देन अगेन वी हैव हियर सम नॉलेज अबाउट रूट्स, इंफॉर्मेशन अबाउट रूट्स। देन हमें हमारे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है अगेन जो है वो दी हुई है रूट्स के बारे में, कि रूट्स हमारे पास क्या करते हैं, प्लांट को होल्ड करते हैं। जो हमने अपने लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा कि प्लांट को ग्राउंड में जो है वो होल्ड करके रखता है। सेकेंड हमने पढ़ा मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करता है सॉइल से। अब थर्ड हमारे पास जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, हमारे पास जो रूट्स की टिप्स होती हैं ये सेंसिटिव टू ग्रेविटी होती हैं। मतलब मीन्स, व्हाट इज मीन बाय सेंसिटिव टू ग्रेविटी,
मतलब कि ये टूवर्ड द 70 ग्रेविटी जो है वो मूव करती हैं। ज़मीन की अगर आप देखते हो जब आप न्यू प्लांट ग्रो करते हो उस वक्त उनकी रूट्स जो है वो ज़्यादा फैली नहीं होती, जबकि आफ्टर सम टाइम आफ्टर सम मंथ और ईयर उसकी रूट्स जो है वो दूर तक पहुँच जाती है पानी या मिनरल्स की तलाश में। तो दे आर सेंसिटिव टू ग्रेविटी होते हैं, मीन्स ग्राउंड की तरफ या सॉइल की तरफ जो है ये मूव करते हैं। देन हमारे पास है स्टेम। स्टेम हमारे पास जो है प्लांट को होल्ड करने में और सीधा खड़ा रखने में हमारे पास हेल्प करता है। उसके अलावा ये लीव्स को और फ्लावर्स को होल्ड करता है, क्योंकि लीव्स जो है वो ज़रूरी है प्लांट के, क्योंकि लीव्स जो है वो प्रोसेस परफॉर्म करते हैं गैसियस एक्सचेंज का और फोटोसिंथेसिस का। सेकंड हमारे पास फ्लावर्स भी हमारे पास जो है वो ज़रूरी है ऑर्गन है। वाई? बिकॉज दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स सो दैट इंसेक्ट कैन कम एंड परफॉर्म द प्रोसेस या हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन। नाउ फ्लावर्स मैंने आपको बताया ये मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसमें फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मौजूद होते हैं, जो मैंने आपको बताया कार्पल और स्टैमेन। फ्लावर्स जो है वो यूजली ब्राइट कलर होते हैं और सेंटेड होते हैं ताकि इंसेक्ट जो है वो इनसे अट्रैक्ट हो सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।